गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आई विल टीच यू इन दिस वीडियो, माय टॉपिक इज किरचॉफ लॉ, मतलब किरचॉफ के नियम। देखिए, जो हमने आपको पीछे बताया है कि कोई भी सेल होता है, सेल का ईएमएफ होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो पीछे आपको बता चुके हैं सारी चीजें। अब हम देखिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो उस सर्किट के अंदर जो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए कि आखिर उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कहां पर कितना करंट होगा, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने टू लॉ दिए हैं, दो लॉ दिए हैं, जिनको हम किरचॉफ के लॉ कहते हैं। मतलब कि सर्किट के अंदर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करने के लिए क्या दिए गए हैं, किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं हिंदी में, देख लेंगे। वैद्युत धारा के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में धारा के वितरण के संबंध में किरचॉफ ने, साइंटिस्ट है किरचॉफ ने, दो नियम दिए। देयर आर टू लॉ गिव्स बाय द किरचॉफ फॉर डिटर्मिनेशन द करंट इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब देखिए ये दो नियम कौन कौन से हैं, उसके हम आगे चलते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या है, देखिए फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, इसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, जंक्शन रूल कहलाता है। यही करंट लॉ कहलाता है, करंट लॉ भी इसको कह देते हैं, और वैसे इसको हम किरचॉफ करंट लॉ केसीएल भी बोल देते हैं, ये सारे नाम इसी के। तो आखिर ये स्टेटमेंट इसका क्या होगा कि कोई भी जंक्शन को, देखिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर जंक्शन ले लीजिए, जंक्शन को हिंदी में कहते हैं संधि, तो उस पर कुछ करंट तो मीट करेंगी और कुछ करंट तो वहां पर आएंगी और कुछ वहां से जाएंगी, मतलब कुछ तो क्या करेंगी, वहां पर एंट्री करेंगी और कुछ करंट उसे लीव करेंगी उस पॉइंट को। तो कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीट एट ए जंक्शन इज जीरो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन साइड द सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि किसी संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बोले तो एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम कैसा होता है, सदैव शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, जो हमारा जंक्शन होता है, जो हमारी संधि होती है सर्किट के अंदर, उस पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। देयरफोर सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। हेयर साइन सिग्मा इंडिकेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स, हेयर साइन सिग्मा
इंडिकेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, इसका मतलब धाराओं के बीज गणितीय योग को इंडिकेट करता है सिग्मा। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक जंक्शन है, ये मैं एक जंक्शन लेके चलता हूं, ये जंक्शन है और इस पर देखो कुछ करंट आ रही है और कुछ जा रही है, ये आपका जंक्शन हो गया ओ, तो मैं कह रहा हूं कि आई वन करंट यहां पर आ रही है, इधर से आई टू आ रही है, यहां से आई थ्री इसको लीव कर रही है और आई फोर भी लीव कर रही है। देखे जरा गौर से, इस जंक्शन में क्या देख रहे हैं आप कि आई वन करंट एंटर द जंक्शन एंड आई टू करंट एंटरिंग द जंक्शन बट आई थ्री एंड आई फोर लीविंग द जंक्शन। तो देखिए साइन इंडिकेशन, देखिए साइन का इंडिकेशन समझ लीजिए, जो करंट्स विच करंट्स एंटरिंग द जंक्शन टेकिंग एज ए पॉजिटिव साइन बट विच करंट्स लीव द जंक्शन टेकिंग एज ए नेगेटिव साइन, इसका मतलब समझ लीजिए जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं और जो उसको संधि को छोड़कर दूर जाती हैं उनको हम नेगेटिव साइन से लेते हैं। तो अब देखिए हेयर आई वन एंटरिंग द जंक्शन एंड आई टू एंटरिंग द जंक्शन बट आई थ्री आई फोर लीविंग द जंक्शन, हेंस वी कैन से आई वन एंड आई टू बोथ आर पॉजिटिव एंड आई थ्री आई फोर बोथ आर नेगेटिव। इन दिस सिचुएशन अप्लाई द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो क्या होगा आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर इज इक्वल टू जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो, इसका मतलब आई वन आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर इज इक्वल टू देयरफोर आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। इसका मतलब यह हुआ कि जो करंट्स जंक्शन की ओर एंट्री करती जंक्शन की ओर आती है उनका सम जो होता है वो उस जंक्शन से जो करंट दूर जाती है जो लीव करती है जंक्शन को उसके सम के बराबर होता है। तो ये क्या हुआ आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। अब देखिए इस फर्स्ट लॉ में कंजर्वेशन होता है, ये जो फर्स्ट लॉ है जनरली क्या है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस लॉ के अंदर जो चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया साहब। फर्स्ट लॉ दोबारा समझ लीजिए, कोई भी आपका पर्टिकुलर सर्किट है, पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो क्लोज सर्किट है उसका एक पर्टिकुलर हमने जंक्शन लिया है, उस जंक्शन पर जो करंट मीट कर रही है उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, या उस जो आपका जंक्शन है उस जंक्शन की ओर जितनी करंट आ रही है उनका समेशन और उसे जब जंक्शन को छोड़कर जितनी करंट जा रही है उनका समेशन कैसा होता है ऑलवेज इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पर जो चार्ज है वो कंजर्वेटिव होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। अब हम सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं और इसी को हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम इसको हम लूप लॉ कहते हैं, लूप लॉ या लूप रूल, लूप रूल, और इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। इसको हम इसी की भाषा में केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सेकंड जो आपका लॉ है इसको मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है इसके अंदर। देखिए कोई भी हमारे पास क्लोज सर्किट है, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसके अंदर बहुत सारी आर्म होंगी, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि क्लोज सर्किट के अंदर जो हमारी आर्म्स हैं उनके अंदर जो करंट है और आर्म का
जो रेजिस्टेंस है उसका जो मल्टीपल है और उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल होता है उस क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी हमारे ईएमएफ सोर्सेस हैं उनके एल्जेब्रिक सम के। समझ लीजिए, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, बंद परिपथ के अंदर करंट और रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग आई और आर, आई बोले तो करंट, आर रेजिस्टेंस, आई और आर का जो मल्टीपल हो रहा है उनका जो एल्जेब्रिक सम हो रहा है उसके उस क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी आपके सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। हैंस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा डी, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। हेयर सिग्मा आई आर इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ आई एंड आर, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट आई एंड आर इन द क्लोज सर्किट, एंड सिग्मा ई इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ सोर्स ऑफ द क्लोज सर्किट। अब इसको मैं आपको एक मैथमेटिक फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं, इक्वेशन के थ्रू कैसे देखें आप। देखिए, हमने समझा कि हमारे पास देर आर थ्री रेजिस्टेंस, मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, माना तीन प्रतिरोध रेजिस्टेंस, तीन प्रतिरोध रेजिस्टेंस को दो सेल जिनके ईएमएफ ई1 एंड ई2 है के की सहायता से इस प्रकार जोड़ा गया है, लेट अस सपोज थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 कनेक्ट विद टू सेल विच हैव ईएमएफ E1 एंड E2। कैसे जोड़ा गया देखिए, एक बार रेजिस्टेंस लिया है, यहां एक सेल को लिया है ये वाला, ये सेल है हमारा E1। अब सेकेंड रेजिस्टेंस दैट इज R2, दैट इज R1, दैट इज R2, यहां पर हमने सेकेंड सेल लिया है दैट इज प्लस माइनस E2। अब थर्ड रेजिस्टेंस यहां पर लिया है, यहां नो सेल, कोई भी सेल नहीं है, यहां पर ये R3। तो इस तरह से ये क्लोज सर्किट बनेगा। देखिए, मैं सपोज कर रहा हूं कि E1 से E1 जो EMF है इससे I1 करंट आपका ड्रॉ हो रही है। लेट अस सपोज करंट गेन फ्रॉम द सेल E1 इज I1। तो I1 देखिए, I1 जो पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर करंट क्या करती है, लीव करती है और नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री करती है। तो यहां पर मैं I1 लिख, सिमिलरली वी टेक करंट I2 फ्रॉम सेल E2 देन I2। अब यहां पर क्या देखिए, इसमें तो करंट आ रहा है वो I1 है और इसमें क्या है I2। I1 और I2 दोनों मीट करके यहां I1 प्लस I2 देख सकते हैं आप कि R3 में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I1 होगा, I1 प्लस R2 होगा, यहां I1 होगा, यहां I2 होगा। अब ये दोनों यहां से क्या होगा, यहां I1 यहां चला गया और I2, तो ये पूरा एक क्लोज सर्किट बन गया। इस क्लोज सर्किट के अंदर देखिए टू लूप है, 1 ABCD, ABCD EF। तो हम कह सकते हैं ये जो कह रहे हैं ये क्या है, मैश बन गया। इसको देखो, मैश बोलते हैं, लूप बोलते हैं, इसी को पास बोलते हैं। तो क्लोज पास है ABCD। तो ABCD में देखिए, ये हमने ABCD में जो करंट का फ्लो लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ऐसे ही करके कह रहे हैं, ये है आपका, इसको हम कह सकते हैं लूप फर्स्ट, और यहां पर ले रहा हूं ये आपका सेकंड, इसको कह सकते हैं लूप सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमने स्टेटमेंट दिया है किरचॉफ लॉ के सेकंड लॉ का, तो सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं आप देखें यहां पर। तो देखिए, मैश जो आपका लूप है फर्स्ट, अप्लाई किरचॉफ लॉ इन फर्स्ट लूप,
प्रथम लूप में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने का, अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ इन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट के अंदर हम किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई करते हैं तो कहा देखिए, ये आपका ए बी सी डी एक क्लोज लूप है, ठीक है। अब ए बी सी देखिए, ए बी को देखिए, इस ए बी आर, ए बी जो आर्म है इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर वन है और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई वन है, देन आई वन इंटू आर वन। अब देखिए आप क्लोज एंटी क्लॉक चल रहे हैं, एंटी क्लॉक चल रहे हैं परंतु करंट आपको यहां से आई टू जो है वो क्लॉक आ रही है, तो इस वाली करंट का क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। क्या करेंगे हम, माइनस साइन यूज करेंगे, आई टू इंटू आर टू। अब यहां चलते रहिए, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरा आपका सर्किट हो गया इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ई वन माइनस ई टू द प्रोडक्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट आई एंड आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स या सोर्स इन ए क्लोज सर्किट। तो ई वन माइनस ई टू डायरेक्शन कैसे आ रहा है, अपोज हो रहा है ई वन माइनस ई टू, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार मैं अब सेकेंड जो आपका लूप है, सेकेंड जो लूप है जो आपको दिखाई दे रहा है डी सी ई एफ, इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करूंगा। इसी प्रकार लूप सेकेंड में किरचॉफ का द्वितीय नियम सेकेंड लॉ नियम लगाने, देखिए अब इसमें लगाना चाहते हैं, सेकेंड में लगाना चाहते हैं तो देखिए अब सेकेंड में ये वाली आर्म आएंगे, ऐसे ऐसे आ रही है करंट, तो क्या होगा आई टू आर टू, आई टू आर टू। जब यहां हम अब किसी इस वाले में एंटी क्लॉक चल रहे हैं परंतु करंट भी हमारे यहां एंटी क्लॉक ही है, तो प्लस सेम डायरेक्शन यूज हो रहा है आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू इन दिस क्लोज मैच ओनली ई एम एफ ई टू वर्क, क्या कर रहे थे फॉर ई टू, दैट इज इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और टू को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करने के बाद में क्या निकालेंगे हम, आई वन आई टू की वैल्यू निकालेंगे, तो हम ये बता पाएंगे कि कौन सी आर्म में जो आपका जो क्लोज सर्किट है उसकी इस आर्म में करंट कितनी है, इस आर्म में करंट कितनी है, तो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अब किरचॉफ का जो, जैसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, यहां क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य है। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो इस तरह से ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यहां पर आते हैं। इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो सेकेंड वीडियो में, उसमें क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी वीडियो हम आपको कल देंगे।